पीलीभीत पहले लड़की का यौन उत्पीड़न किया, फिर शादी करके छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली। जनपद पीलीभीत के थाना विलसाना क्षेत्र के इस मामले की कहानी थोड़ी विचित्र है। लड़की के माँ बाप दोनों दिव्यांग हैं और महागरीब हैं। मेहनत मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करते हैं। घटना 4 वर्ष पूर्व की है। उस वक्त लड़की नाबालिग थी। पूर्ण रूप से विकलांग माँ बाप की पुत्री जो गांव के ही एक शातिर सतपाल नाम के युवक के प्रेम जाल में फंस गई। कई वर्ष तक यौन शोषण किया। इतना ही नहीं, आरोप है कि शातिर सतपाल ने कई बार लड़की का गर्भपात भी कराया। जब लड़की बालिग हुई तो सतपाल के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, मगर कैचुआ निवासी सतपाल के घर वालों ने शादी के लिए इनकार कर दिया। मामला थाना बिलसांडा पहुंचा, जहां नवंबर को 4 लोगों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में FIR दर्ज करी। शातिर सतपाल जेल चला गया। जब जेल से वापस आया तो फिर सतपाल ने एक शातिराना चाल चली और लड़की को अपनी बातों में फंसा कर उसके साथ शादी कर रचा ली, जिससे आने वाले समय में मुकदमे से अपने आप को बेगुनाह साबित कर सके। शादी से लड़की से शादी रचाने के बाद कई सादा कागजों पर साइन करवा लिए। उसके बाद लड़की को घर भगा दिया और दूसरी लड़की से शादी रचा ली। आज सतपाल मौज कर रहा है और सतपाल की पहले वाली दुल्हन सतपाल के नाम का सिंदूर भरे धर धर ठोकरे खाती फिर रही है और न्याय न मिलने पर आत्महत्या करने की भी बात कर रही है। रिपोर्टर जाहिद अली, ब्यूरो चीफ पीलीभीत। क्या नाम है आपका? शिवानी वर्मा। शिवानी वर्मा कहाँ रहती हैं? कैचुआ। कैचुआ ये कौन से थाने में पड़ता है? बिलसंडा। बिलसंडा थाने में पड़ता है। अच्छा, SP साहब के यहाँ क्यों आई थी, क्या मामला है पूरा? पहले मुझसे सतपाल ने शादी करी थी, फिर दूसरे लड़की से शादी कर ली उसने। तभी मैं गई थी, तब पुलिस ने मेरी सुनी नहीं है। उन्होंने मुझसे कह दिया तुम चलो, मैं आ रहा हूँ, तब भी नहीं गया। मैं 2-3 बार गई थी, फिर कोई कार्रवाई नहीं करी। अगर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे बिसंडा वाले थाने वाले, तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, तो वो जानेंगे। अब आप क्या चाहती हैं? उसने दूसरी शादी कर ली, आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया? आप इनकी माँ हैं, विकलांग भी हैं जी। आपके पति क्या करते हैं? कुछ भी ना करते हैं। कुछ नहीं करते हैं तो खर्चा कैसे चलता है? मजदूरी करते हैं। रुदुर क्या हुआ था आपकी लड़की के साथ? हमारी लड़की के साथ सतपाल ने 28 जनवरी को शादी करी थी। इमलिया ले गया था और 4 दिन गायब रही थी, तो हम कह रहे थे कि कहाँ थी लड़की हमारी, कहाँ है। तो समय ढूंढ रहे थे तो बोला कि मैं ले गया तो इसे छोड़ गया, मार पीट करके गाँव में छोड़ गया था। जो आई तो कल मेरे साथ शादी करी थी, पहले बुला के ले गया। मैं तू कहाँ ले जा रहा, तो बोला ही ना, कह रहा है कि मैं अपने साथ ले जाऊंगा, शादी करूंगा, मैं राजीनामा लूंगा तुझसे। अब उसने दूसरी शादी करी है क्या? अब उसने दूसरी शादी कर ली है ढकिया से। अब आप क्या चाहती हैं? लड़की को भेजना चाहती हूँ उसके साथ। लड़की को उसके साथ भेजना चाहती हूँ जी। अगर वो नहीं ले जाता है तो क्या करेंगी? नहीं ले जाएगा, आत्महत्या कर लेगी। SP साहब क्या गई थी जी? क्या कहा SP साहब ने? SP साहब ने कहा है कि कार्रवाई की जाएगी, आपकी सुनी जाएगी, मगर पुलिस वाले कोई भी ना कार्रवाई कर रहे हैं। वो पैसे मोटी पार्टी है, पैसे लेके हम गरीब आदमी हैं, विकलांग हैं, मियां बीवी,